नमस्कार आजर बुलेटिन को स्वागत करुछे मो संध्या। ऐतिहासिक कटक सहर चलित बर्ष पार्वण में दुर्गा पूजा बेस धूमधाम रे शांति श्रृंखला सह पालित होबा नै प्रस्तुति आरंभ होइछे। गोटिए पटे विभिन्न मंडप पक्षरो मूर्ति निर्माण तोरण प्रस्तुति तथा पूजा रे आवश्यक सामग्री जोगाड़ रे लागे पड़िथवा बेले प्रशासन एवं कटक महानगर शांति कमिटी पक्षरो प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित हो जाइछे। स्थानीय सीडीएस स्थित विंडोज प्यालेस ठारे आयोजित एही बैठक रे चलित बर्षर दुर्गा पूजा संपर्क में विस्तृत आलोचना करा जाई पार्वणर विभिन्न कार्यक्रम को नहीं समय निर्दिष्ट करा जाई छी। चलित बर्ष अक्टोबर 9 तारीख महाषष्ठी ठारु दुर्गा पूजा आरंभ हेबो। सही भली अक्टोबर 14 और 15 तारीख रे सहरर विभिन्न मंडपरु माँ दुर्गा समेत अन्यान्य देवादेवी मृमयी मूर्ति को शोभायात्रा रे निया जाई भसाणी करा जिवो। तेबे 14 तारीख दिन सकाळ 9टा ठारु 15 तारीख मध्यरे मेढ़ गुड़िकर विसर्जन कराजिबाकु निष्पत्ति निया जायछि। कटक सहरर पूजा परंपरा को दृष्टि रखी महाषष्ठी ठारु विजया दशमी पर्यंत 5 दिन व्यापी विभिन्न मंडपरे सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठित हेबो। संध्या 7टा ठारु रात्र 12टा पर्यंत सांस्कृतिक कार्यक्रम निमन्ते समय सीमा धार्य करा जायछि। सेहिबळी भसाणी शोभायात्रा दिन रात्र 12टा पर्यंत माइक व्यवहार करबाकु अनुमति प्रदान करबा संगे संगे माइक लाइसेंस रो सरलीकरण करबाकु पुलिस प्रशासन को शांति कमिटी पक्षरु अनुरोध करा जायछि। तबे राति 12टा परे पारंपरिक बाजा और घंटा ध्वनि मध्यरे भसाणी शोभायात्रा परिचालना निमन्ते सूचना दिया जायछि। पूर्व वर्ष मानक भली मुख्य रास्तार आसुवा मेढ़गुड़िक अतिक्रम कला बेले जदि गली रास्तु मेढ़ आसुए मुख्य रास्तार दुईट मेढ़ अतिक्रम करने गली रास्तार गोटे मेढ़ मुख्य रास्तार जाभि चांदीन चौक पुरतन परंपरा मेलन कार्यक्रम में जोगदेक चाहूवा मेढ़गुड़ लाइसेंस प्रदान करने को नवेदन कर पुनश्च पार्वण समय 24 घंटिया पानीय जल जोगाणर व्यवस्था एवं पूजा मंडप गुड़ी को रिहाती मूल्य विद्युत जोगाण सह पूजा समय विद्युत काट न हुए से दिगरे पदक्षेप ग्रहण करने को विद्युत विभाग अधिकारी निवेदन करा जायछि। शांति श्रृंखला पाई स्थानीय मंगलाबाग बक्से बजार गौरीशंकर पार्क चांदीन चौक एवं पुरीघाट ठारे आरंभरु शेष पर्यंत पुलिस कंट्रोल रूम पानीय जल एवं भ्राम्यमाण शौचालय सह पर्याप्त परिमाण रे आलोकर व्यवस्था करने को दावी होइछि। मेढ़ विसर्जन निमन्ते पुरीघाट ठारु देवीगोड़ा रास्तार परिष्कार परिच्छन्न सह मरामति और आलोकर व्यवस्था करने संगे संगे चेस्टिस गुड़िकु उपरकु उठाइबा निमन्ते ट्रैक्टर व्यवस्था करने को शांति कमिटी पक्षर नवेदन कर वर्तमान अवस्था कटक सहर मुख्य और गलिकंदी रास्ताघाट अति शोचनीय होतायात संभवपर होना विभाग मध्य समन्वय अभाव कटक सहर रास्ताघाटर अवस्था अति शोचनीय हो पड़ी। यह दिगरे कार्यानुषान ग्रहण करने दृष्टि रखी चलित दुर्गापूजा पूर्व कटक सहर रास्ताघाट आवश्यक स्थले मरामति पुनर्निर्माण समस्त मुख्य और गली रास्तार मल अलिया आवर्जना उठाइबा सह रास्तार आलोक गुड़ी को कार्यक्षम करने को अनुरोध कर महानगर निगम मध्य असंपूर्ण हो पड़ा जायका कार्य को तुरंत संपूर्ण करने संगे संगे पूजा पूर्व नूतन कार्य आरंभ न करने को निर्देश देवाक नवेदन होवश्यक होता स्थान में श्राप पकाइबा सह मेढ़ शोभायात्रा यातायात बेले विभिन्न स्थान में प्रतिबंधक स्पष्ट करुवा गच्छ डाळगुडी को काटिबार व्यवस्था होगा सह मेढ़ यातायात बेले सुविधा सृष्टि करुवा विद्युत टेलीफोन और टीवी केबुल गुड़िकर
अपसारण कराजिबाकु निवेदन कराजाइछि। प्रत्येक पूजा मंडपर सभापति और संपादकंकु पुलिस कमिशनरेट पक्षरु दुर्गा पूजा षष्ठी थारु भसाणी उत्सव पर्यंत पास और ब्याज जोगाई देबा व्यवस्था करबा सह शांति कमिटी निमन्ते कार पास प्रदान करबा सह षष्ठी थारु भसाणी पर्यंत हेलमेट चेकिंग न करबाकु निवेदन कराजाइछि। एक रे प्रस्तुति पूरा दमरे महानगर निगम अच्छी। आज शांति कमिटर पूर्णांग बैठक बसला, पूर्वांचल शांति कमिटी बैठक सर जाइए। आम समस्ते पूजा को किभ भाव में सरस सुंदर करूँ, आकर्षण करूँ। रास्ताघाट बर्ष अवस्था अच्छी, ता तुरह हम विद्युत आवश्यकता अच्छी, गच्छ कटा अच्छी, केबुल समस्या अच्छी, गार्बेज मैनेजमेंट अच्छी। ये मौलिक सब कामटा निर्भर मेनली करुच्छे महानगर निगम पर। आम तार पूरा प्रस्तुत अच्छू, आम आशा करूँ, आम आशावादी निश्चित भाव पूजा को सफलतार सहित संपादन कर। एक आम चेषा कर भितर हेवी रेन चलती, रास्ताघाट पूर्णांग काम ये पार्बन, पिचु काम केवनी। आम पैचिंग फैचिंग करके मैनेजमेंट करूँ। दशहरा पूर्व आर गोटा स्थित परिवर्तन निश्चित हम। आम से प्रस्तुत अच्छे। एक आम दु वर्ष आगु कर आज नुह आगु के सबूला पैसा पत्र आम दु वर्ष पूरा मुक्त करूँ। एथर मत करने मोर काउनसिल बैठक अच्छे, गोटे डेमोक्रेटिक बड़ी एटा अच्छी। आ मुझे सब ये घोषणा केमी करी, आम आलोचना करके से बाट करूँ, जमी करमी भाव में सब कथा व्यवस्था कर। कटकर मुरबी राजनीतिक दल नेतृवृंद, निर्वाचित प्रतिनिधि, प्रशासन मिलित होकर कटकर गौरव को अक्षुण्ण रखी किभली भाव शांतिपूर्ण ढंग से चलित बर्ष दुर्गा पूजा समापन करेंगे, से आज शांति कमिटी आह्वान ने सभा होता एवं समस्ते से सहमति प्रकाश कले जे कौन सी दुर्घटना विहीन पूजा आम करवा कटकवासी जहाँ आंतरिक आग्रह ताकु सम्मान दे। रास्ताघाट विषय में सीएमसी मेयर थे, सी गोटे सभा करेंगे, सीपी मध्ये गोटे सभा करेंगे, पुलिस कमिशनर, जिलापाल मध्ये आउ गोटे मीटिंग डाकि कोऑर्डिनेशन कथाटा को से रेगुलेट कर। डीजे मुक्त भसाणी, निशा मुक्त रोशणी। प्रिपरेशन तो जहाँ बहुत बढ़िया था, किंतु टिके दुख रहीगला आमको कहक दिगला ना। आम टे छः हजार पंचायत कमिटी तरफ किसी कह चाहूँ दिगला ना, मैंने बाकी प्रिपरेशन जहाँ अच्छी चलित बर्ष ठीक अच्छे। आम ये कहू माँ छः हजार पंचायत पूजा कमिटी बक्सीजा मार्केट बणिक संघ पूजा कमिटी तरफ जे समस्त राजनैतिक दल हूँ बा आमर प्रशासनिक अधिकारी हूँ आम शांति कमिटी पूर्वांचल पूजा कमिटी समस्त और कटक सहर समस्त मुरबी को शारदीय अभिनंदन प्रथम आम जनाऊु एवं माँ दुर्गा आशीर्वाद हो समस्त भल रुंतु एवं आगामी दुर्गा पूजा खूब धूमधड़ाक पालन करवा कारण आमर दुईटा पर्व गोटे हूँ दशहरा गोटे काली पूजा तेणु आम मुरे मैंने चाहूँ प्रशासन अधिकारी मैंने आम मुरे मानक से सहयोग करूँ एथरक जमी कटक धूमधड़ाक पालन कर दशहरा। जो सब कथबार्ता हेले कमिटी प्रशासन हो आमर राजनैतिक हो सही कथा को वर्णना कर आम आगे चलू एवं फास्ट आमर गणेश चतुर्थी हो भसाणी भलर भलर सब कटिले आग को दशहरा काली बालीजात्रा सब हम एति कहि भगवान को आशीर्वाद रु भलर भलर सब हो जाओ। आज महानगर पूजा कमिटी तरफ इंसर पैलेस एक गृह पूजा पूजा टू आरंभ कर भसाणी पर्यत एक प्रस्तुत बैठक होता ये आम समस्त पूजा कमिटी सभापति संपादक उपस्थित थे एवं ये विषय आलोचना है जे आगामी दुर्गा पूजा शांति श्रृंखल हम एवं डीजे बाजिबनी बा पॉलीथिन मुक्त भसाणी यात्रा हम बोली आमर प्रशासनिक जो मत दे सब पूजा कमिटी मानिए आज प्रस्ताव दे परंपरार कथा। आम जिते दशहरा पूजा आसे कटक सहर जिते मगुड़ मंडप था आज प्राय 170 मंडपर पहुँची ये सब 170 मंडपर सभापति संपादक डाक शांति कमिटी पक्षर एक प्रस्तुति सभा हो जाए दशहरा और भसाणी शोभा उपलक्षे जो थी आम समस्त सामिल कर दल मत निर्विशेष सब दल नेतृमंडली जो मैंने निर्वाचित प्रतिनिधि विधायक सांसद ठूँ आरंभ कर मंत्री जो मैंने अच्छे डाकि थाऊँ सब पूजा कमिटर सभापति संपादक एवं जो माने कर्मकर्ता अच्छे शांति कमिटर एथे समस्त सामिल होती तेणु ये एक प्रस्तुति कार्यक्रम जहाँ मध्य पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन एवं जो माने सहयोग करती दशहरा लाइन डिपार्टमेंट से जोग देती आज
आज कार्यक्रम विभिन्न शांति कमिटी सरला पर विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी पूजा मीटिंग डाकबे जहाँ जहाँ कटक सहर जो समस्या रही किभली भाव में युद्धकालीन भित्तिर वर्षा को दृष्टि रखी किभली कर कथा प्रशासनिक अधिकारी मैंने करेंगे और आज जेजा साहिरे जी समस्ते लग पड़े माँ को मूर्ति तैयारी करार तेणु ये प्रस्तुत सभा पारंपरिक नीति रीतनीति अनुसार प्रत वर्ष होता है प्रत्येक दुर्गा पूजा काली पूजा गणेश ये सब शांति कमिटी पक्ष तेणु आज ए चलित बर्ष 2024 मसीहाई माँ को आगमन उपलक्षे आज प्रस्तुति सभा आज प्रत वर्ष भाई आज शांति कमिटर प्रस्तुति बैठक होती आज समस्ते साईर मुरबी मैंने उपस्थित अच्छा आगामी दिन कार्यक्रम विषय खसड़ा जो दुर्गा पूजा पाई ये प्रस्तुत हो समस्ते उत्साहित भाव में अपेक्षा कर दशहरा को किभली भाव में माँ आविर्भाव हो किभली भाव में पूजा हे और भसाणी जात्रा किभली भाव में सुरखुर हे से समस्त प्रस्तुति बैठक ये हाँपी आज समस्ते एकाठी होती आज कटकर ऐतिह संस्कृति परंपरा को बजे रखी आगामी दिन में किभली भाव में यह सब कार्यक्रम हे से समस्ते निजी देह को लेकर काम करेंपटे प्रस्ताव दे चलित बर्ष शांति श्रृंखला और आनंद उल्लास सह दुर्गा पूजा करा बैठक में विशेष गुरुत्वारोप कटक्रु राजेन्द्र छोटरायंक पीतांबर साहू रिपोर्ट एनटीवी। एबे देखिबा परवर्ती खबर पश्चिम ओडिशार मुख्य पर्व नुआखाई केवल पश्चिम ओडिशार सीमित होना कटक यार झलक देखा मिली कटक महानगर नागरिक महासभा अनुष्ठान पक्षरु नुआखाई पालित हो जाइछि। कटक महानगर नागरिक महासभा आनुकूल्य तेलेंगा बजार स्थित रघुनाथ जी मंदिर ठारे ओडिशार गणपर्व नुआखाई बेस धूमधाम रे पालित हो जाइछि। अनुष्ठान सभापति डाक्टर रविरंजन साहू को अध्यक्षतारे आयोजित एक उत्सव में विशिष्ट गायक सुरेन्द्रनाथ छोटराय प्रारंभिक सूचना प्रदान करथिले। नुआखाई केवल पश्चिम ओडिशार कृषि भित्तिक पर्व नुहे एहा संप्रति ओ सद्भावनार पर्व बोली मुख्य अतिथि भावे सीएमसी मेयर सुभाष सिंह जोगदेई मतव्यक्त करथिले। एही कार्यक्रम रे वैष्णव परिडा विद्युत कुमारी लाला ललिनी प्रभा नायक गोपालचंद्र मिश्र भुवनानंद महांति निवास चंद्र मिश्र शरत चंद्र दास सुधांशु ओझा प्रमुख अंशग्रहण करी नुआखाई उपरे आलोचना करथिले। साधारण संपादक श्यामसुंदर साहू धन्यवाद देथिले। ब्यूरो रिपोर्ट एनटीवी। एबे देखिबा परवर्ती खबर ओडिशार प्रथम मानसिक वेलनेस केन्द्र उद्घाटन आर्थिक अनग्रसर को मागणा चिकित्सा प्रदान करा जिवो पात्रपड़ा आदर्श होम थारे आज ओडिशार प्रथम मानसिक वेलनेस केन्द्र उद्घाटन हो जाइछि। यह आदर्श होम्र मुख्य उद्देश्य हेउछि मानसिक रोगी को किभली चिकित्सित कराई समाज मुख्य स्रोत में सामिल करा जिवो आगामी दिन में किभली भावे यही आदर्श होम को सारा भारत बर्षे लोकाद्रुत करो यार मुख्य उद्देश्य रही मानसिक रोगी को मेडिसिन प्रदान सह थेरोप्रोटिक ट्रीटमेंट एवं काउंसलिंग दि जाए थाए आर्थिक अनग्रसर को मागणा चिकित्सा प्रदान करवस्था रही सुलभ मूल्य चिकित्सा सुविधा जोगाइ देवार व्यवस्था रही। भारत बर्षर सर्वपुरतन आयुर्वेद शैली मध्यम चिकित्सित कर मुख्य अतिथि भाव प्रोफेसर अमृत परजोशी सम्मानित अतिथि अभिनेता बाबूशान न्यूरो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर शुभेंदु नारायण मिश्र प्रतिष्ठाता गुरुप्रसाद दास प्रमुख जोगद प्रथम मुख्य अतिथि द्वारा प्रदीप प्रज्वलन कर मुख्य अतिथि भाव जोगद प्रोफेसर श्री परजोशी कही मनीष जीवन में सुरक्षा प्रथम विशेषकर मानसिक रोगी को यह एक सुरक्षा जोन भाव कम करें जाचु मानसिक रोगी को चिकित्सा करने के कष्ट पर विशेषकर सब घटना देखा मिली थाए तेणु आमको बुझे आणवा कष्ट मानसिक रोगी उत्तम चिकित्सा होगा आवश्यक आम जीवन रे बड़ स्वप्न देखा आवश्यक से ही सम्मानित अतिथि भाव जोगदे जे बहुत खुशी मुठार जोगदे कि यह एभली एक असुविधा यह समाज कौन सी गोष्ठी देखनी
ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସମାଜର ପ୍ରତିଟି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଏକ ଜାଗା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏଭଳି ଏକ ସେଣ୍ଟର ସହ ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ। ଏହା ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ କିଭଳି ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ ଏହି ଆଦର୍ଶ ହୋମ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାନ୍ର ମାର୍କେଟିଂ ହେଡ୍ ପ୍ରଣୟ ଜେଠି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NTV। ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଖବର ଜାରି ରହିବ। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ସହ ଜଳବାହିତ ରୋଗ ଯଥା ଡାଇରିଆ, ଜଣ୍ଡିସ୍, ଟାଇଫଏଡ୍ ଆଦି ବ୍ୟାପେ। ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ତଟକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଫୁଟା ପାଣି କିମ୍ବା ହାଲୋଜେନ୍ ବଟିକା ପଡ଼ିଥିବା ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ଶୌଚ ହେବା ପରେ ସାବୁନରେ ଭଲଭାବେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନ୍ତଧ୍ୱନି ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ବାର୍ଷିକ ଅନ୍ତଧ୍ୱନି ଉତ୍ସବ 2024 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିକଟସ୍ଥ କନକଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରଧର ବେହେରା, ଜୁନ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରାୟ, ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ୱପ୍ନା ମିଶ୍ର, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଡକ୍ଟର ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ଗୁରୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଆଶା ମୁକୁଲ ବାରିକ, ତବ୍ଲା ଗୁରୁ ଡକ୍ଟର ତାପସ ପାଲ, ଗୁରୁ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ରାଉତ, ଗୁରୁ କୁଳମଣି ସାହୁ ଓ ବଂଶୀ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜବାହରି ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଉଦୀୟମାନ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମଞ୍ଚ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଅନ୍ତଧ୍ୱନି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ରାଉତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କୌଶିକ ସାୱନ୍ତଙ୍କ ଶରଦ ବାଦନ, ପ୍ରତ୍ୟାଶା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗାୟନ, ଶୁଭାଶିଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଏକକ ବଂଶୀ ବଦାନ, ପ୍ରଚେତ ସାହୁ ଏବଂ ଆମରୂପ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଏକକ ତବ୍ଲା ବାଦନ, ଶ୍ୱେତପ୍ରଜ୍ଞା ନାୟକ ଏବଂ ଆରାଧନା ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୱନି ଶିଳ୍ପୀ କୁଳ ଦଳଗତ ଭାବରେ ସିମ୍ଫୋନି ଓ ବୃନ୍ଦ ତବ୍ଲା ବାଦନ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ସଙ୍ଗୀତ ରାଉତଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ନୃତ୍ୟ ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀନିବାସ ଘଚୁଆରୀ ମହୋଦୟ। ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଧନେଶ୍ୱର ଓଝା, ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ସୁନମେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ, ରାକେଶ କୁମାର ଜେନା, ପ୍ରକାଶ ବେହେରା, ଅବିନାଶ ପତି, ତପନ ପଢ଼ିଆରୀ ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଣା ରାଜପ୍ରତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NTV। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ସେଥିଲାଗି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗାଁଠୁ ସହର। ସେହିପରି କଟକ ପିଠାପୁରର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସୁନୟନ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ବିଗତ 28 ବର୍ଷ ହେବ ବହୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା। ପ୍ରଥମେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘରେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଲବ ଘରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା। ତେବେ ଏହିଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 700 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି।
ସେପଟେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭସାଣି ହେବ ବୋଲି କ୍ଲବର ଯୁବକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି ଆଜିକି 28-30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ପୂଜାର ଯେମିତି ବିଧିବିଧାନ ସେହି ହିସାବରେ ପୂଜା ହୁଏ। ଯେମିତି ଆମର କ୍ଲବର ପ୍ରଥମେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର ହେଉଥିଲା, ତା'ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାୟୀ ଘର ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ MLAଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଫଣ୍ଡରୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ ଛାତ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ହେବାର ବହୁତ କିଛି ଯୋଜନା ଅଛି। ଆମର ଚାନ୍ଦି ମୁକୁଟ 2 କିଲୋର ହେଇଛି, ଆଗକୁ ଆଉ ହାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ନିଶାମୁକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେମିତି ନିଶାମୁକ୍ତ ଭସାଣୀ ହେବା କଥା ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ସେ ନିଶାମୁକ୍ତି ଇଏରେ BJP ନ ବାଜୁ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କେମିତି ଭସାଣୀ ହେବ। କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଆମର ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଛୁଆ ଭୀଷଣ ଭଲରେ ହୁଏ। ଆଉ ଆମର 50 ପାଖାପାଖି ମେମ୍ବର। ମୋ ନାଁ ଦୀପକ କୁମାର ରାଉତ, ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ୟୁନିୟନ କ୍ଲବ। ଆମ କ୍ଲବରେ ପ୍ରାୟ 50 ପିଲା, ଆଉ ଆମର ବି ଏ ବର୍ଷ ଭାବିଛୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମେ ଇଏ କରିବୁ, ନିଶାମୁକ୍ତ ବି ଆମେ କରିବୁ। ଆଉ ଆମର ଛୋଟ ବଡ଼ ପିଲା ଆମ ଗଳିରେ ବି ବଡ଼ ମୁରବୀମାନେ ବି ଆମର ସହଯୋଗ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ସବୁ ପିଲା ମେମ୍ବର ସବୁ ଇଏ ହେଇକି ଆଜି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବି ପୂଜା ବି ଭଲ ହେଲା। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସବୁ କ୍ଲବ୍ର ବି ପୂଜା ପର୍ବ ଭଲରେ ବି ହେଉ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବି ହେଉ। ଆଜ୍ଞା, ଯେ ନାଇଁ ମେଢ଼ ହୋଇପାରିବନି, ଆମର ଚାନ୍ଦିର ମୁକୁଟ ହେଲାଣି ଆଜିକି 10 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲାଣି। ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଭାବିଥିଲୁ ଟିକିଏ ହାର ଫାର ଟିକିଏ କରିବୁ ବୋଲୁ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଟିକିଏ ଆର୍ଥିକ ପଇସା ଟିକିଏ କମ୍ ଥିବାରୁ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଟିକିଏ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକିଏ ହୁଏ, ସେଥିରେ ଆମର ଯାହା ବି ହେଲେ 50-60 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଚାନ୍ଦି ହାର ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଯାହା ବାକି ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କର, ଆର ବର୍ଷ ଆମେ କରିବୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। କଟକରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛୋଟରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NTV। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ନୂଆପଡ଼ାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଗଜାନନ। ଲାୟନ୍ କ୍ଲବରେ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା। କ୍ଲବର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଲବର ଏଥର ବଜେଟ୍ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଥର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଫାଇବର କାମ, ସାଙ୍ଗକୁ ଫୁଲ ସଜା କୁହନ୍ତୁ କି ଛୋଟ ଛୋଟ ମିରର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି। କ୍ଲବର ସୌଛୁଆ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଉନ୍ନତ ଆଲୋକମାଳା ଏଥର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି। ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକବାଦ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିବାର କିଛି କ୍ଲବର ସଭାପତି ଜଣାଇଛନ୍ତି। କଟକରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛୋଟରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NTV। ଆଜି ତ ସମୟ ସରିଛି, ଆଜିର ବୁଲେଟିନକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ niskarsha.com। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।